अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। आवामी नौईयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और हालात हाजरा से आपको बाखबर रखना ज़रूरी है। इसी हवाले से प्रोग्राम में हमने पिछले अपने जो प्रोग्राम रहे वो मौजूद आवामी मसाइल के हवाले से थे। बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू हुआ। पहले मरहले के अंदर सिंध में जो कुछ हुआ सारा दिन आप देखते रहे। K21 न्यूज़ पे और दीगर चैनल्स के ऊपर भी इस हवाले से आपको खबरें सारा दिन टीवी पे नज़र आती रहीं। जिस तरह का सियासी माहौल पाकिस्तान का है तो ये जो इंतखाबात हुए हैं ये कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह की सियासी कारकुनान में जो तसादुम हुए हैं, जो पोलिंग स्टेशंस पे सारा दिन होता रहा, आज़ाद उम्मीदवार किस तरह जश्न मनाते रहे, नाकाम होने वाले किस तरह दुहाइयाँ देते रहे, ये सारा ये एक सियासी कल्चर पाकिस्तान का है। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसको अहमियत इसलिए भी ज़्यादा हासिल है क्योंकि इससे ख़्याल ये है कि आने वाले वक्त का तायुन हो सकेगा, कौन सी पार्टी किस क्या पोजीशन बनती है। सिंध के अंदर का मवेश ऐसी ही सूरत हाल मुतवक्के है, थी भी, और जिस तरह हुआ इंतखाबी मरहला मुकम्मल वो भी सबने देखा। बहरहाल जीत या हार किसी की भी हो, सवाल अपनी जगह मौजूद है, आम आदमी के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा तो ये समझना ज़रूरी है। कुछ देर पहले भी ऑफ कैमरा इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान के मौशी मामलात जिस तरफ जा रहे हैं पेचीदगियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस हुकूमत या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी भी दौर में आवाम को सुख का सांस मैसर नहीं आ सका। उनकी जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, वो किसी तौर पर कम नहीं हो सकी। शायद इसकी वजह यह भी है कि किसी भी हुकूमत का एजेंडा या उसकी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं रही, अवामी मसाइल को कम किया जाए। मुश्किल फैसलों का हमेशा हवाला दिया जाता है कि मुश्किल फैसले लेने होंगे, लेकिन ये सारे मुश्किल फैसले अवाम के हिस्से में आते हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों में ये शऊर आ चुका है कि इस सिलसिले को अब रुक जाना चाहिए। सोशल मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसके ज़रिए लोग सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। इससे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि लोग अब इन मामलात को लेकर किस हद तक संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। और जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएँ, वगरना आवाम के पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं और वो उसके बारे में सोच भी रहे हैं और अब सोचना ज़रूरी है। ये जो रिवायती सियासत एक हमेशा होती आई है इससे अब जान छुड़ानी होगी। सिंध के अंदर जो कुछ हुआ इसके ऊपर बहुत सारे सवालात गुज़िश्ता रोज़ मौसूल हुए। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में इसको भी आज ज़ेर बहस लाएँ कि ये जो कुछ होता रहा है गुज़िश्ता 14 या 15 साल से एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद है और उसकी कारकर्दगी को देखते हुए अगर फैसला किया जाए तो यकीनन जिस तरह की कामयाबी हासिल हुई है ये शायद हासिल ना हो पाती। एक राय है, अवामी राय है जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये समझना ज़रूरी है कि जो रिवायती सियासी माहौल है, ये जो कि स्टेटस को है, एक जमूद बन चुका है, इसको कैसे तोड़ा जाए और इसको तोड़ना वक्त की ज़रूरत क्यों बनता जा रहा है, एक बड़ा अहम सवाल है। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कुछ रियल इस्टेट के हवाले से मामलात हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी और मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहने से पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो आज के मौजू की तरफ आएँगे और अपने मेहमान को भी खुश आमदीद कहेंगे। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के आगाज़ में।
इब्तदाइया में कुछ बात हुई पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, मईशत के ऊपर बात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हुकूमत आए, हमेशा उससे सवाल यही होता है आवाम का कि जो मौशी मामलात हैं उसको बेहतर बनाया जाए। और इससे गर्ज नहीं है कि आप किस इदारे में किसको सरबरा लगाते हैं, किस तरह मामलात को आगे लेके चलते हैं। ज़रूरी ये है कि आवाम के जो मौशी मसाइल हैं और जो बहुत सतही मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अभी सूरत हाल शहर कराची के अंदर ये है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और इससे ज़्यादा भी कुछ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है, और कोर्ट के अहकाम भी इसके ऊपर मौजूद हैं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं माजी में, लेकिन ये जो लोड शेडिंग का सिलसिला है ये अभी तक थम नहीं सका है। कुछ अरसे के लिए यकीनन सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन उसके बाद सूरत हाल पहली जैसी ही हो चुकी है। तो ये एक बड़ी तकलीफ देह चीज़ है, और इसके ऊपर क्या कहा जाए, बहुत गुफ्तगु इसके ऊपर हो चुकी है, बहुत सारी बात इससे पहले प्रोग्राम में कर चुके हैं इस हवाले से, लेकिन ये लाहासिल ही रही है। बहरहाल इस वक्त बात करना ज़रूरी है थोड़ी रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से। जो मौजूद मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, पहले मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मुख्तलिफ हवालों से महंगाई के ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली साहब तशरीफ़ फरमाए, यूनिवर्सल इस्टेट के CEO यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। रोशन अली साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। रोशन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ पहले महंगाई से ही कर लेना चाहिए। अभी कुछ देर पहले भी ऑफ कैमरा में और आप यही बात कर रहे थे, और जिस जगह भी आप जाते हैं, जिससे भी मुलाकात होती है, किस महफिल में भी जाएं आप, कहीं पे भी बैठे हों, घर के अंदर घर के बाहर, एक ही सवाल है। हर शख्स दुआइयां देता नजर आ रहा है कि ये जो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला है इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगा, एक आम आदमी बुनियादी चीज़ों से, अशियाए सर्फ की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने से भी मुतासर होगा, उसकी दस्तरस से बाहर हो जाएंगी, तो फिर कैसे बिजनेस फरोग पाएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा, क्या सेविंग करेगा, क्या सोचेगा मुस्तकबिल के बारे में, ये ज़रा फरमाइएगा। जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का मौजू भी बहुत ही अच्छा है कि महंगाई के हवाले से है जी। महंगाई तो हम चीख चीख के थक गए, ऐसा ही अब तो सिर्फ इल्तिजा बाकी रह गई है। इल्तिजा ही कर सकता है, क्या कर सकता है बेबस इंसान, क्या कर सकता है, इल्तिजा कर सकता है। तो ये जो आपने जिक्र किया कि ये रिवायती सियासत, तो ये रिवायती सियासत जो है ना, वो सिर्फ हम पे ही इस्तेमाल होती है हमेशा, ठीक है, हम ही उसका निशाना बनते हैं। अच्छा, किसी, अब तो खौफ आता है, इलेक्शन का नाम आता है तो खौफ आता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो अब ये कोई नई तबाही लेकर आएंगे। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब ये इलेक्शन, पहले इलेक्शन से उम्मीद होती थी कि यार चलो ये हुक्मरान जो है ना, ये हम पे महंगाई का बोझ डालने, जो नई हुकूमत आएगी वो हमको रिलीफ देगी। सही, अब यकीन माने, अब तो जहनी तौर पर लोग तैयार होते हैं कि अब जो आएंगे ना, ये उनसे बड़े आएंगे और उससे ज्यादा हमारे ऊपर जो है ना वो जुल्म होगा, माशी कत्ल होगा और कारोबार बंद होगा, लोग बेरोजगार होंगे, घरों के चूल्हे बुझेंगे। तो वो मतलब ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि ये हर घर में ये बात हो रही है, और हर घर में तो इससे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। हम तो बहुत मोहतात अंदाज में बात कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत मोहतात होकर गुफ्तगु कर रहे हैं। और ये जो सियासतदान है, ये आखिरत का सोचें। दुनिया में अगर आपको हुक्मरानी मिली है तो सिर्फ इनका सोचें कि जिन्होंने बड़ी मेहनत कर करके 40-40, 50-50 साल में अपनी कोई सरमाकारी करके अपनी एक इंडस्ट्री लगाई है, उसको तबाह ना करें। बिल्कुल ठीक है। अब आपने उनको कहा कि इनके पास इतना पैसा है, इनके ऊपर 10% जो है ना सुपर टैक्स लगा देंगे। भाई वो इन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि आप उनसे लूट लें, उनको रिलीफ दें, उनके साथ हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। ऐसा ही आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आता हूँ रियल इस्टेट की तरफ, ही आ जाइए। अब रियल इस्टेट में ये है कि देखें, रियल इस्टेट जो है, अगर तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो रियल इस्टेट रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा मौका है आपके पास कि आप उसको प्रमोट करें। ठीक है, उनके साथ 100 और 100 से ज्यादा इंडस्ट्री जो है ना जुड़ी हुई है, अलाइड इंडस्ट्री है, बिल्कुल ऐसा ही, और वो इंडस्ट्री जो है उनके साथ करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं उसके लिए कि ये रियल इस्टेट क्या चीज है,
ये तो मैं अपने, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैं तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपको निशानदेही कर रहा हूँ कि बिल्कुल भाई ठीक है इसकी तरफ खुदारा सोचें, जी, सोचें, ये वो सेक्टर है जिसके ज़रिए आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर इनको एतमाद मिले, बिल्कुल ठीक है हमारे ज़रिए, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के ज़रिए जो करोड़ों लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन करेंसी आती है पाकिस्तान में, जी, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब सबका एतमाद जो है ना बहाल नहीं होगा, अगर इन्वेस्टमेंट का, अगर उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा वो जी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका रिजल्ट बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल ठीक है 1 लाख डॉलर किसी साहब ने भेजे, वो सोच रहे थे मेरे ये 1 लाख डॉलर 1.5 लाख डॉलर हो हो जाएंगे, जाएंगे, जो कि हर कारोबारी आदमी वो अपना पैसा जब सरमाकारी करता है तो उसका रिजल्ट ये सोचता है कि भाई मेरे पैसे डबल हो जाएंगे डबल हो या जाएंगे, बिल्कुल बढ़ ठीक है, जाएंगे, जो भी नीयत उसका यही होती है, मुनाफा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको टैक्स चाहिए, टैक्स लें, मगर टैक्स जब भी उसी सूरत में आपको मिलेगा कि आप जो है ना किसी को वो पैसे पैसे कमाएगा तो आपको टैक्स देगा। बिल्कुल ठीक अब है, आप चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री बनी हुई है, चले ना चले कारोबार, आपने सुपर टैक्स लेना है, बिल्कुल ठीक अपना है, टैक्स लगाना है। भाई पहले तो आप ये सोच लें कि अगर कोई इंसान कमाएगा तो आपको टैक्स देगा। टैक्स दे सकेगा, बिल्कुल अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि बस मैंने बोल दिया और टैक्स लगा दिया और ये लागू हो जाएगा, तो कोई लागू नहीं होगा, लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, लोग इंडस्ट्री बिल्कुल बंद करेंगे, ये पैसा उठाएंगे बैंक में रख देंगे। बिल्कुल आप ठीक है, ये चाह रहे हैं कि रोजगार खत्म हो जाए इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल तो ठीक है, आपको अभी बहुत अच्छे फैसले लेने की ज़रूरत है। ये आवाम बहुत गुस्से में है और आवाम के रोजगार जो है ना, अभी देखें एक छोटा सा भी एक दुकानदार है, उसके साथ भी 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, जी अब लोगों ने उनको निकालना शुरू कर दिया, जो पहले नौकरों से काम कराते थे वो खुद करना शुरू खुद कर करना दिया। शुरू करें, बिल्कुल ये ऐसा कोई ही इस मसले का हल थोड़ी है। जी, मुस्तकिल बुनियादों पे इसके लिए काम करने की ज़रूरत है और एक लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास इसके लिए होना चाहिए। ये सारी बातें क्यों करने की ज़रूरत पेश आ रही है, ये जैसे अभी रोशन साहब ने तस्करा किया कि अलाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और अगर सबके साथ अगर ऐसा ही सलूक रवा रखा जाएगा, यकीनन टैक्स लेना वक्त की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी ईमानदार लोग हैं 22 करोड़ लोगों में से, टैक्स की अदायगी तो हर शख्स कर रहा है, लेकिन ये जो अशराफिया है इसके ऊपर आप क्यों नहीं टैक्स लगाते, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स क्यों लगाने से कासिर हैं और दीगर जगहों की निशानदेही हो चुकी है, बड़ी फहरिस्त उसकी तवील है, तो ये इस तरफ कोई पॉलिसी बनाने में नाकाम नज़र आते हैं, लेकिन जो आसान रास्ता है इसको इख्तियार किया जाता है, ऐसा सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये तो बताएं। और दूसरी बात ये कि ये जो वक्त है पूरी दुनिया में इस वक्त एक क्राइसिस है, एक मौशी बहरान है, इसको निकालने के लिए अगर ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी और अगर कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा, कोई देर पा आपके पास प्लान या पॉलिसी नहीं होगी, तो ये तो मौशी मसाइल इस तरह हल होने वाले हैं नहीं जिसकी काफ़ी देर से निशानदेही हो रही, आप क्या समझते हैं? या फिर अगर तो आप ये सोच कर आए कि मैंने सिर्फ ये 1.5 साल 2 साल गुजारने हैं, तो फिर आप इसी किस्म के फैसले करेंगे, करते रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो बस अभी किसी तरीके से हमारा टाइम गुजर जाए, ठीक है, हमको प्रोटोकॉल मिल जाए, मैं जब गुजरूँ तो मेरे पीछे 100 गाड़ियों का काफिला आएगा, बादशाह सलामत आ रहे ऐसा हैं। ही बादशाह सलामत ये गरीब मुल्कों के अंदर खुद गरीब हैं और बादशाह बने फिर रहे हैं, तो भाई ये बादशाह आपको अगर अल्लाह पाक ने एक अगर हाकिम बना दिया है बादशाह सलामत की, तो सीट आप तसव्वुर ना करें, मगर आपका तसव्वुर जो है ना बादशाह सलामत का होता है, जी, आपके पीछे प्रोटोकॉल ऐसा चल रहा होता है कि जैसे लश्कर। अरे भाई जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ का प्रेसिडेंट जो है, मैं देख रहा था टैक्सी से उतर के जा रहा है हलफ बर्दारी के ऐसा ही लिए, है वो तरक्की याफ्ता मुल्क के लोग हैं, जी, हमारे यहाँ तरक्की है नहीं नाम की, और हमारे यहाँ प्रोटोकॉल में लोग आते हैं, पता नहीं किस चीज़ का खतरा है। यार गरीब आदमी को किसी का खतरा होगा? या तो ये बहुत ज्यादा सरमाएदार हैं तभी बिल्कुल इनको ऐसा ही खतरा है। खतरा है, ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यकीनन यही बात है कि इनको अगर खतरा है, जैसे भी बात हुई है प्रोटोकॉल्स की निशानदेही होती रही है और ये हुकूमत में क्या इससे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा, पिछले दौर हुकूमत में ज़्यादा ये मामला कुछ रहे, तनकीद इसलिए की जाती है कि एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने ये आवाम से वादे किए थे कि कम अज़ कम इस कल्चर को ख़त्म करेंगे, उनसे भी 2 हाथ जो है वो आगे निकल गए, बहरहाल ये अफसोस ही हमेशा से रहेगा और लोगों को है भी कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो बुरी तरह से जो हैं वो टूटी हैं, वो नाकाम हुए हैं और बड़े सुनहरे ख्वाब, बल्कि ख्वाबों की ताबीर जो है वो दिखाई गई थी कि ऐसा होगा और ये जो जितने भी जो शाही महल हैं गवर्नर हाउस की शक्ल में हैं, प्रेसिडेंट हाउस की शक्ल में, प्राइम मिनिस्टर हाउस की और न जाने कितने कितने ऐसे महल यहाँ पर मौजूद हैं, इनको गिराया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए जाएंगे और न जाने ऐसे कितनी बातें हुई हैं, लेकिन बहरहाल आवाम को हर दौर में सिर्फ नाउम्मीदी ही मिली है। अच्छा, अब ये एक और बड़ा मसला है, हमारे यहाँ कोई भी जो काम है
उसको संजीदा नहीं लिया जाता। इस सवाल पूछने का मकसद ये है कि रियल एस्टेट की जो एक पूरी मार्केट है, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देने की ज़रूरत है, और जब इंडस्ट्री का दर्जा आप देते हैं तो उसके लिए बाकायदा आपके पास प्लान भी होता है, फिर आप उसको रिलीफ भी दे सकते हैं, और फिर इस तरह कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो मरतब की जाती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल भी किया जाए बिल्कुल फैसलों सर, के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो मामलात नज़र नहीं आते। ये क्यों इस मामले में इतने गैर संजीदा हैं, जबकि वो ये बात समझते हैं, जैसे भी आपने तस्करा किया कि 100 से ज़्यादा इसकी अलाइड इंडस्ट्री हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं मुमकिन तौर पर, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा देना या उस तरह उसको ट्रीट करना, वो मामला अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों है ये बताइए। अब ये बताएं कि हमारा काम है रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करना, हम तो सिर्फ ये अपना जो किरदार जो है वही अदा कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल जी पॉलिसी बनाना किसका काम है? जी गवर्नमेंट हुकूमत का का काम है। बिल्कुल। तो ये इंडस्ट्री का दर्जा देना किसका काम है? आप ये समझ लें कि बुनियादी चीज़ जो है वो आप उससे गाफिल हैं, कि बुनियादी चीज़ ये है कि आप ये रियल एस्टेट सेक्टर को आप इंडस्ट्री का दर्जा दें, आप देखें उसके बाद आपको इसके क्या अच्छे नतीजे नज़र आना शुरू हो बिल्कुल ठीक जाएंगे। है उसके बाद फिर हर चीज़ सीधी होती चली जाएगी, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आप लोगों को रजिस्टर्ड करें, मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो उसको रजिस्टर्ड करें, आप उनका रोज़गार बहाल होगा। देखें ये जब तक ये एक सरमाएकार अपना पैसा कमाएगा नहीं, आपको टैक्स देगा नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि आप टैक्स 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 की बात करते हैं, उनके रोज़गार की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। जो सरमाएकारी कर रहा है वो सरमाया इसलिए लगा रहा है कि वो 2 पैसे इसमें कमाएगा, आपने उसको शर्म उसे कमाने की तो बात ही नहीं करते। आप बोलते हैं बस हमें जो है टैक्स दे दो। अच्छा फिर आप IMF के पास जाते हैं, उनकी सारी शराइत जायज नाजायज मान के आप पैसे ले लेते हैं, और वो भी सिर्फ 2-4 महीने के लिए, और 2-4 महीने के लिए मुल्क को चलाने के लिए आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डालते चले जाते हैं। फिर आप बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ती हैं, तो आपने तो बता दिया कि ये 1 तारीख से इतना 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये बढ़ेगा। तो भाई अगर आपने ये अगर अनाउंसमेंट करनी है तो साथ ही साथ अपना जो रोज़मर्रा ज़रूरत की जो चीज़ें लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं उनकी भी साथ ही साथ अनाउंसमेंट करें कि इसकी भी चीज़ें ये होंगी, ना कि लोग अपना जो है ना कानून मर्जी खुद से बना बढ़ाए। लें कि किसी ने 20 रुपये बढ़ा दिए हर चीज़ पे, किसी ने 25 रुपये बढ़ा दिए, कल आलू लेने गए तो 50 रुपये किलो थे, पेट्रोल बढ़ गया तो 100 रुपये किलो हो बिल्कुल गए, ऐसे उसको कौन चेक करेगा? जब तुम गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट वाले अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो सारी चेकलिस्ट ये भी अपनी जो है ना अनाउंस करें कि भाई आज के बाद जो है ना दूध की कीमत ये होगी, आलू की ये होगी, कीमत की ये होगी, गोश्त की ये होगी, बिल्कुल ठीक है, तेल की ये होगी, चावल की ये होगी, आटे की ये होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आप उस तरफ तवज्जा दे नहीं रहे, उनको खुला छोड़ दिया। फिर ऐसा यही होता है कि फिर वो तो जो जो होना चाहिए जो हो अपनी रहा है, मर्जी से जिसकी जो चाहता है वो मतलब कीमतें आपका निर्धारित पेट्रोल कर कीमत देता जो है ना वो 20 रुपये बढ़ती है है। तो वो चीज़ें डबल हो जाती हैं, ऐसा ही है, ये क्या ऐसा मतलब, ही है। इसको कौन देखेगा? ये तो अभी से अगर नहीं सीधा करेंगे तो ये मुझे लगता है कि ये आगे चल के इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि फिर इसको, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये मुस्तकिल बुनियादों पे सोच कर आए कि हमने यहाँ के इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है, इस मुल्क को सीधा करना है। ये शायद इनके माइंड में ये है कि हम जितने अरसे के लिए आए ना, बस जिस तरह से मुल्क चलता है चले, लोगों का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, मगर हम अपना काम करके चले जाएँ, बाद में ये नई आने वाली हुकूमत जाने। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा कि ये हमारी जो सोच है ना ये बड़ी महदूद है, और ये मुल्की मामलात को चलाने के लिए ना जितनी भी हुकूमतें आईं यही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। इससे पहले भी इसी चीज़ की निशानदेही होती रही कि आपने तरजीही बुनियादों पर मौशी मसाइल को हल करना है, और उसके लिए आपके पास कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जो कम अज़ कम 10 साल के लिए, 15 या 20 साल के लिए हो, तब जाकर आपको मौशी इस्तेहकाम जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो अलाइड इंडस्ट्री की अभी बात हुई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर और गुफ्तगू हो जाए। करोड़ों लोग वाबस्ता, और उनके साथ फिर पीछे और सैकड़ों से ज़्यादा लोग, बल्कि उनकी भी तादाद लाखों करोड़ों में जाती है, जो उनके ख़ानदान हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। अब हुकूमत जिस तरह के फैसले ले रही है, समझना बड़ा मुश्किल है। रियल एस्टेट एक वो सेक्टर था जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आ भी रही थी, लोग इसमें अपना पैसा सेव भी कर रहे थे, लगा भी रहे थे, लेकिन ये आए दिन की जो पॉलिसीज़ आती रहती हैं, नित नए जो तजुर्बात किए जाते हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है ये तो ज़रा बताइए। कि चलें पाकिस्तान में तो लोगों की सकत पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन बाहर से जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपसे अब क्या सवाल करते हैं ये तो ज़रा बताएं।
हम जब उनको कन्विंस करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें, पहली जी बात तो अब हम इस काबिल नहीं रहे कि अब उनको इन्वेस्टमेंट का मशवरा दें, बिल्कुल ठीक तो है वो हमें उल्टा हमको समझाते हैं कि भाई आपने हमारी इन्वेस्टमेंट जो लगाई थी वही ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अगर ऐसा जब आज हम उसको सेल करते हैं तो उसके बाद जो पैसे आते हैं, तो हमने 1 लाख डॉलर लगाए थे, अब वो 75,000 डॉलर आ रहे हैं, आधे हो तो जाएंगे। वो अब उनके बाद हम भी लाजवाब हो जाते हैं। तो अब इनको वो मशवरा तो हम कुछ भी नहीं दे सकते, जाहिर है ये तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, ये अपने जगहों पे बैठ के हुकूमत ऐसा कर ही रहे हैं। मगर अब ये है कि अब ये रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ये तवज्जा दें और हमारी जो एसोसिएशन हैं उनसे मशवरे करें, हमें अपनी काबीना में शामिल करें, तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे और इनको बताएंगे कि पैसा कैसे पाकिस्तान में जनरेट हो सकता है और कैसे मुल्क जो एक तरक्की की राह पे आ सकता है, और उसके लिए सबसे पहले इनको अपनी नीयतें सही करनी सबसे पड़ेंगी। पहले जरूरी है, ठीक है। तो अब ये नीयतें सही हो जाएंगी, हमको शामिल करें उसके अंदर, उसके बाद फिर हमें भी पता चलेगा कि इनकी भी लाइन ऑफ डायरेक्शन अच्छी है, ये भी मुल्क को सीधा करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये अगर मेरी तो रिक्वेस्ट है अब इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप नज़रसानी करें, क्योंकि यहाँ पर मेरी तरह काफ़ी करोड़ों लोग हैं जो कि वो यही बात करना चाहते हैं, वो जिनको मौका मिलता है वो बात भी करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद अब आजकल फ्रॉड का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ऐसा ही है। अच्छा रोशन साहब, मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि लोग इसके बारे में बात करना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं, जो फ्रॉड का एलिमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, पहले एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, और रियल इस्टेट से हटकर जो मौशी मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत की जो फैसला साजी हो रही है, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उससे ज़्यादा तश्वीश पाई जाती है, क्योंकि महंगाई में बेपनाह और ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और वो जो ख़तरे का निशान है उससे जो है वो ऊपर चले गए हैं। अब देखना यह है कि इन मामलों को कैसे हल किया जाएगा। बार बार इस बारे में पेशगोई की जा रही है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आने वाले जो मज़ीद चंद माह हैं मज़ीद सख्त फैसले लेने होंगे। सख्त फैसले का मतलब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि आपके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा, मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, और उसमें भी जो सर फहरिस्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और जैसे भी कुछ देर पहले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं और दीगर जो आप ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें, उस सब पे कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। और सूरत हाल ये है क्योंकि अब तो बड़ी ईद क्योंकि नज़दीक है, उससे पहले ही जानवरों की ख़रीदारी एक बड़ा लोगों के लिए मसला बन चुकी है और कीमतों में बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इजाफा हो चुका है, तो जो कुव्वत ख़रीद है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। अभी ये काम फरीज़ा जो है वो सर अंजाम देना है, लेकिन लोग अभी भी फ़िक्रमंद हैं कि कैसे इस फरीज़े की अंजामदही मुमकिन हो सकेगी, तो ये भी एक सूरत हाल है। बहरहाल रोशन अली शेख साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी मुल्क के जो मौशी मामला हैं उस हवाले से और ख़ासतौर पर रियल इस्टेट के हवाले से। रोशन साहब ये फरमाइएगा, जो फ्रॉड का एलिमेंट है, अब बहुत सारी चीज़ों ने इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया है, और जब एंड यूज़र अगर उसके साथ किसी किस्म का अगर धोखा या फ्रॉड हो तो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जैसा भी आपने कहा कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो जिस तरह के फैसले भी होते रहे हैं, बार बार इस बात को दोहराते आए हैं, नस्ला टावर एक, इससे पहले भी इस तरह ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसके हवाले से फैसले आए और फिर आपको पता है जो कुछ हुआ, तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये तो बताएं, क्योंकि सादा लोग हैं, कोई अथॉरिटीज़ यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर आगे जाके आपको जो कुछ होता है आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू की जाए, फरमाइए। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे ऐसे लोग आके बैठ गए जिनको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है इस रियल एस्टेट के मुताबिक, मगर वो अपना ऑफिस खोल के बैठ गए। तो उनके पीछे उनका मकसद जो है ना, वो रियल एस्टेट की खिदमत करना नहीं है बल्कि फ्रॉड करना होता है, सही, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको नहीं पता होता कि इसमें फ्रॉड कौन है और सही काम करने बिल्कुल वाले ठीक कौन है। है।
तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी बनाई है कि DNFBP जो है वो एक इदारा है जिसके ज़रिए हम सारे रियल इस्टेट एजेंट को जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जी अच्छा, जब रियल इस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड होगा तो वो किसी न किसी को जवाबदेह भी होगा, देखो, ठीक है तो फिर अगर आप कोई काम करेंगे तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी या जी, आपको वहाँ पे अपनी इंदराज कराना पड़ेगा कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ तो ऐसा हो गया है कि आपने कोई 10-20 एकड़ ज़मीन खरीद ली और लेके एक मार्केटिंग कंपनी को आपने कह दिया कि भाई आप इसकी प्लाटिंग हम कर रहे हैं और आप इसको मार्केटिंग करें। उनका 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मार्केटिंग वाले जो है ना वो पत्थर को शो करते हैं कि ये सोना है और फिर उसको बेच देते हैं 4 महीने के अंदर। सही है। और लोग बेचारे, उनके जो मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इसी भरोसे पे जाके वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और एंड क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो अपने पैसे लेके, अपना कमीशन लेके चले जाते हैं। बाद में वो फिर जो 5-5 साल की, 10-10 साल की जो किस्तें होती हैं वो उनको देनी पड़ती हैं। आप मुझे बताएं कि इस दौर में कोई भी 120 गज का प्लाट आपको 10 लाख का, 11 लाख का, 12 लाख का दे सकता है? वो भी मुमकिन किस्तों नहीं है, में, किस्तों में 5 साल की किस्तों में दे सकता है? बिल्कुल ठीक, मुमकिन नहीं अब उनको अगर हम समझाते हैं कि भाई ये गलत है, लोगों की बददुआएं ना लें, जी। लोग फंस जाएंगे आपके चक्कर में, बोले यार हम ना तो मार्केटिंग का काम है, हम तो मार्के हमारा तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि मार्केटिंग करके हमने तो इतने पैसे इनको जमा करके इतने में देने, इतना हमारा कमीशन है, वो हम लेंगे, हम चले जाएंगे, बाद में ये जाने वो जाने। मैंने कहा भाई आप 10 प्लाट मुझे भी ले दें। ऐसे ही बिल्कुल मैंने ठीक उनसे कहा कि है। चेक करने के लिए, मैंने कहा 10 प्लाट मुझे भी ले दें। बोले आ जाएं। मैंने कहा मालिक से आप मेरी मीटिंग कराएंगे? बोले नहीं, मालिक तो 10 लोग हैं, वो तो उनसे तो मीटिंग नहीं होगी, वो तो हम ही सब कुछ करेंगे। हाँ, हम ही देख रहे हैं उनके मैंने कहा आप बयान जब पे, चले जाएंगे फिर हम किससे बात करेंगे? सवाल किससे करेंगे। बोलने लगे हाँ ठीक है, उनमें से एक उनका जो है ना वो आपसे एग्रीमेंट साइन करेगा। मैंने कहा ठीक मालिक है, कितने? बोले 10। तो मैंने कहा एक क्यों साइन करेगा? बिल्कुल ठीक है, ये तो भी ये मैं सवाल आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि जी। लोग किसी इनके झांसे में ना आए, लोग एहतियात करें। लोग अगर डील करनी है, इससे पहले भी मैं उनको बता चुका हूँ कि आपने डील करनी है तो सिर्फ मालिक से करें, बिल्कुल ठीक है, वरना अपने हाथ से समझ लें कि आपने किसी को पैसे दे दिए, वो मिलने नहीं है, ना मिलने चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वही, और लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगी हुई है, अरे बहुत वो सारे दो लाख किस्त। जमा करने के लिए पता नहीं, वो भी 2 साल इंतज़ार करते हैं, जब जमा होते हैं BC निकलती है तो वो जाके उनको देकर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मेरी समझ में नहीं आता जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनको भी क्या अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है? कम से बिल्कुल कम सही यही है, सोच लो कि यार इन्हीं में से कोई आपका भाई, भतीजा, कोई ना कोई हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही जिनके है, साथ ये हो रहा है। आप किसी के साथ करोगे, कल आपके साथ कोई करेगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तो आवाम को चाहिए कि लालच से गुरेज करें, लालच में ना आए, लोगों की बातों में ना आए, थोड़ा सा अपने अंदर शऊर पैदा करें कि कभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप 1,000 मरतबा लोगों से मशवरा करें कि भाई ये मैं पैसे, चाहे वो 50,000 है या लाख रुपये है, बहुत नहीं भी रकम, आप उसको बचाएं। आप इस चक्कर में नहीं कि मुझे 120 गज का प्लाट मिल जाएगा और फिर लोग बोलते हैं कि ये आप देखिएगा 5 साल के बाद तो ये 50 लाख का हो जाएगा। ऐसा ही है, वो भाई जिंदा रहेंगे तो होगा ना, वो आपने बिल्कुल तो ठीक बीच में एक किस्त भी अगर उसमें से आपने शॉर्ट कर दी तो आपने बोला आपने एक किस्त शॉर्ट कर दी थी, लिहाजा वो आपका प्लाट कैंसिल हो अच्छा, गया। ये टर्म्स कंडीशन का भी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी, जिसका आपने खुद ही तस्करा कर दिया है कि अमूमन होता यही है कि जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है, कोई पेपर साइन करते हैं, तो उसको पढ़ना गवारा नहीं करते। होता तो ये तरीकाकार कि आप किसी वकील को इसमें शामिल करके मामला को अगर वो कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, लेकिन होता यह कि वो खुद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं पे मामला ख़राब होता है कि अक्सर वो बुकिंग कैंसिल हुई है, वो एक किस्त जो है वो डिले होने पे ही वो पता चलता है कि वो जनाब जितने पैसे जितनी अदाई की माजी में हुई है वो सब ख़त्म कर देते हैं, कि शहर से बाहर खास तौर पर जो बड़ी स्कीम है उसमें बहुत सारे मामला जो है वो इसी हवाले से सामने आए हैं कि जनाब एक किस्त या दो किस्तों का अगर मामला उसमें जो है ज़ेर इल्तवा हुआ तो जनाब वो प्लॉट की या जो मकान की मनसूखी हो गई है। आप बताएं कैसे बचें एक बात बताए मुझे, जी। ये कई लोग मुझसे सवाल करते हैं जी कि आपके यहाँ तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, वहाँ देखें उधर तो, जो आधे में, आधे जहाँ का से भी आपने कम जिक्र है किया कि जी वहाँ तो जी प्राइस बहुत कम है, ऐसे ही तो मैं उनको हाथ जोड़ जोड़ के समझाता हूँ कि भाई टाइटल चेक कर लें। बोले हाँ हमारे नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र है। मैंने कहा जो प्लॉट ट्रांसफ़र करना है वो मालिक है, वो बिल्कुल सही मालिक है, है उस लैंड प्लॉट ओनर का? कौन है, बिल्कुल कह ठीक रहे है, नहीं, इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, एयर कंडीशन चल रहा है, लाइन लगती है, टोकन लेना पड़ता है, टोकन वहाँ लेना पे पड़ता है। थंब इम्प्रेशन लगते हैं, तस्वीर खींचती है। मैंने कहा आप जो है जब प्लॉट की ख़रीदारी करते हैं तो क्या उसका रेवेन्यू जो है वो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेशनल बैंक में जमा कराते हैं? आपको कोई गवर्नमेंट का अफसर जो है आपकी रजिस्ट्री करता है? सही। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पैसे देते हैं? जी जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, क्लियरली समझ लें सब लोग। समझ लें, बिल्कुल ठीक है।
तो फिर भी अब ये देखें, ये खुद वो एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। अब हम मैं तो इस हद तक ही सिर्फ समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर तो देने बैठा नहीं हूँ कि चलो मैं बिल्कुल ठीक उनको है, जो है ना वो दो दो चार चार घंटे उसकी तफसील में जाऊँ। बिल्कुल बस ठीक है। मोटी सी बात यह है कि पहले आप मोटी सी बात यह है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें तो सोचें कि क्या नेशनल बैंक में इसका चालान जमा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये एक मोटी सी बात, बिल्कुल ठीक है, अगर नेशनल बैंक में चालान जमा हो रहा है और गवर्नमेंट का अफसर उसकी रजिस्ट्री कर रहा है तो समझ लें ये टाइटल क्लियर है। और ये डील करने से पहले भी उसको मैंने पहले बताया था कि आप जो है ना वो अपना सर्च सर्टिफिकेट ले लें या अपना जो एक प्रॉपर्टी की क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लें। तो इन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा होगा कि नफ़ा नुकसान तो बाद की बात है, कम से जी कम अपने असल पैसे की हिफाजत कर लें, आजकल अपना असल पैसा बचा लें, लोग आपके असल पैसे को लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। चक्कर में लगे हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये समझना पहले ज़रूरी है, और इससे पहले थोड़ी सी तहकीक ज़रूरी है, मामलात को समझ लीजिए। ये ना चाहते हुए बात कहनी पड़ती है कि ये सब जो बड़ी बिल्डिंग्स और ये जो एसी वाले कमरे हैं, यहाँ से लोग बेचारे थोड़ा सा जो है वो धोखा खा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ना ये बिल्डिंग लेके कहीं जा सकते हैं और यहीं पर मौजूद हैं तो शायद फिर काम भी यहीं से चलता रहेगा। बहरहाल एक बुनियादी चीज़ है जिसका भी तस्करा हुआ है। ये फरमाइएगा कि अभी बजट में निशानदेही की गई, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर ख़जाना, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की कि ये वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, जो कि अच्छा फैसला, मैं अपनी ज़ाती राय है कि जब शहर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है आपको उसके अंदर एक्सपेंशन करनी होती है। अब वर्टिकल एक्सपेंशन दुनिया के बड़े शहरों में हुई है, बड़े बड़े बीजिंग में, इधर उधर आप देखेंगे दुबई वगैरह के अंदर आपने देखा कि बड़ी बड़ी इमारत तामीर हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में मामला जो है ना वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और बहुत सारे दीगर मामला की वजह से जो है वो नहीं आगे बढ़ सके। फरमाइएगा कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ तो मसाइल की एक बहुत बड़ी एक फहरिस्त है। अभी कराची शहर के अंदर ही कोई बिल्डिंग बनाना, मेरे ख्याल में आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे, फरमाइए। यात्री ये बताएं कि मुंह से अदा करना बहुत आसान है, ऐसा ही बहुत क्योंकि आसान उन्होंने आसानी से बोल दिया वर्टिकल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगी, बिल्डिंगें बनेंगी बड़ी क्या बड़ी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम जो है उस पर ये तामीरात कर सकते हैं? 20 माले की बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकें कर सकते हैं, मुमकिन नहीं। हम तो कहते हैं उसको तो छोड़ दो, जो लोग अभी आबाद हैं उनकी सेफ्टी तो प्रोवाइड कर दो, उनको बेसिक चीज़ तो प्रोवाइड कर दो। ऐसा ही आप तो बात कर रहे हो आगे की, उसके लिए तो फिर अभी आपके पास पैसे हैं नहीं, और बात हम बहुत ज़्यादा की कर बिल्कुल रहे ऐसा ही है हैं। जो अभी आबाद हैं पहले उनकी सेफ्टी आप प्रोवाइड करते हैं, जी। और उसके बाद उनको बुनियादी जो सहूलतें हैं वो उनको देते हैं, पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, ये जो चीज़ें हैं ना ये तो इनका हक है, वो तो बिल्कुल दें। ठीक है, हमारे मुल्क में जो है वो हमारे शहर में वो सेवरेज लाइनें हैं नहीं, आप बताइए। एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं। ये इधर पीछे बिल्डिंग के अंदर आपने देखा है जो डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ था और नीचे आग लगी है, अभी बारहा इसकी निशानदेही की जाती रही। जब ये बन रहा था उस वक्त भी ये इस मामले की तरफ बात हुई, निशानदेही करवाई गई कि अगर एक रिहायशी इलाके में अगर इस तरह के स्टोर्स बनाए जाएंगे और अगर जिस जगह उनको जो मख्तस की गई अगर वहाँ पर बनेंगे, तो फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होगी, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब ये फरमाइए ये सूरत हाल है, कौन उन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस बिल्डिंग के अंदर, जो रिहाइश पजीर लोग थे, वो बेचारे अब कहाँ जाएं, किससे सवाल करें, बताइए। देखें ये जो आपकी बात है ना उसके ऊपर मैं एक बात ये कहूँगा कि अब ये भी गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट या तो प्योर जो कमर्शियल जो है ना बिल्डिंग उसको कमर्शियली यूज़ करे, और ये तीतर ठीक बटेर है, ना करे बिल्कुल ऐसा ही कि है। आधी बिल्डिंग में जो है ना कमर्शियल यूज़ कर लिया, आधी बिल्डिंग को अपने रेजिडेंस दे दी। देखें अगर जो कारोबारी तबका है ना वो तो अपनी वायलेशन करेगा, शॉर्टकट करेगा कि वो सोचेगा किसी तरीके से मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, वो सेफ्टी का ख्याल नहीं करेगा। उसकी ज़रा सी निगलिजेंसी की वजह से अगर उसके यहाँ कोई डिजास्टर होता है तो उसकी सज़ा जो है ना सारे ऊपर के मकीनों को मिलेगी। मिलेगी मकीनों को क्यों सज़ा मिल रही है? जी फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई हम तो अपना इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। जी तो ये तो इनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल और नहीं, अगर आप समझते हैं हम इतने काबिल हैं कि अगर हम इजाज़त दे रहे हैं तो फिर आप उसकी सेफ्टी भी प्रोवाइड करें, उनकी बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी के इक्विपमेंट जाके चेक करें, उनको हर हफ्ते जाके उसको टेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो फायर एक्सटिंग्विशर जो रखा हुआ होता है वो सालों साल रखा रहता है, वो इस्तेमाल में नहीं आता, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं किसी है, को यही नहीं पता कि इसकी पिन निकालनी है, इसको शेक करना है, नहीं इसको आता चलाना किसी को, कैसे है। फिर उस वक्त लोग पैनिक में आ जाते हैं, कोई मिट्टी उठाकर डाल रहा होता है, कोई पानी के लिए पानी भागता डाल रहे होते हैं है, लोग। मतलब ये तो एजुकेशन की किसकी ज़रूरत है? जब आप टीवी के इतने बड़े बड़े शो हमारे जो हुक्मरान करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि ये सेफ्टी के ऊपर भी आके लोगों को अवेयरनेस के अवेयरनेस ऊपर दें प्रोग्राम कि किए भाई जाए, बिल्कुल आपको अपने घर की सेफ्टी कैसी करनी है,
ठीक है, आपको अपने कारोबार की सेफ्टी कैसे करनी है, आप अपने मतलब ये सारी तालीम देने की जिम्मेदारी जो है ये हमारे हुक्मरानों की है। रियासत की जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल ऐसे ही आप है। अपने मकसद के लिए तो नेशनल टीवी को इस्तेमाल करते हैं, वो घंटों बातें करते हैं, ऐसे ही। मगर जिस काम के लिए आपको करना चाहिए आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उसके लिए बात नहीं करते हैं। फिर ये जिम्मेदारी हमको दे दें, बिल्कुल ठीक है। हमको जिम्मेदारी दें, हमको मौका दें। हमारी पूरी एसोसिएशन है और मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन इन पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर हमारा जो है, हमारा जो डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है हमारी, वो जी इतना भरपूर किरदार अदा करती है, एक से काबिल आदमी। आप अच्छा, सिर्फ वहाँ नाम पर लें। जी ऐसा ही है, आपने सही कहा कि ये मखसूस इलाका जिसका भी आपने नाम लिया है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो अभी ख़ास तौर पे नई जो तामीरात हुई हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, फायर अलार्म होता है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, लेकिन दीगर जगहों पर नज़र नहीं आती है। और दीगर जगह मैंने काफ़ी एसोसिएशन से इस बारे में बात की है, उन्होंने कहा हम संजीदा तो हैं लेकिन पाबंद नहीं किया जा सकता, वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि देखें वो तो आप काम हमें करे। मौका दें जब आप समझते हैं, बल्कि हम नहीं कह रहे, आप जाएं जाकर इलाका विजिट करें, हमारे लोगों से मिलें, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म में काबिल तरीन लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मुलाकात करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको समझाएंगे। जब ये डिफेंस का इलाका जब इतना अच्छा तरह काम कर सकता है तो ये कराची क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है, कराची कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर क्यों नहीं सकता, कर सकता, तो इसका मतलब काबिल लोग हैं, आप उनको अपनी इस काबीना में शामिल नहीं करना चाहते। भाई बिल्कुल अपना ठीक है, मुशीर ही रख लें, बिल्कुल मशवरा ही कर ठीक लें, है, वो हम कैसे तो हैं, क्या आपके फैसले आपके लिए चला रहे हैं, फायदेमंद लोग हैं, आप बिल्कुल आपको ठीक, नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आपका पहिया चलाने में हम ज्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मगर नियत और इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है इनको। जरूरत है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई लोग सारे ही गलत हैं, इनमें चंद लोग ऐसे हैं जो कि काम नहीं करते, उनको तनख्वाहें भी लेनी है, मराहत भी लेनी है, अपने जो खर्चे हैं वो कट डाउन करने नहीं है, आवाम पे सारा बोझ डालना है। भाई आपके पास जो जो आप प्रोटोकॉल है उसको कम करें, आप अपने खर्चे कम करें, जी आप भी इन्हीं आवाम में से आएँ, तो आप कोई आते ही जो है ना आप कोई ओके, बादशाह सलामत नहीं बन गए। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। रोशन साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है, बहुत सारे और भी दीगर मामलात थे जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई है, तो कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह आगे चल के इन मामलात के ऊपर आपसे मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करें। आज बड़ी आपने सरासल गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से जो मुश्किलात हैं, और यकीनन जिन मामलात को समझने की ज़रूरत है, एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में बात करें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है ब्रेक का, ये जो पहला सेगमेंट था ये इख्तिताम पजीर होता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है, आप देखते रहिए प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग कराची।